वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफिन। आज बीनिश के टिफिन में क्या होने जा रहा है? आज हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट चैलेंज। वो किस तरह से, अगर आप मेरी तरह मुश्किल में फंस जाएं, एग्स मंगाना भूल जाएं ब्रेकफास्ट में, तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे। ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि अंडा रखा हुआ था मेरे पास और तीन लोगों के लिए मुझे ब्रेकफास्ट मनाना है और चाहिए तीनों को ही एग, और मैं मंगाना भूल गई। और आप भी मेरी तरह एग मंगाना ब्रेकफास्ट में एग मंगाना भूल जाएं और आपके घर एग खाना पसंद हो सबको, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेकफास्ट चैलेंज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैलेंज, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम करते हैं इस चैलेंज को। एक अंडे से तीन लोगों के लिए बना के दिखाते हैं हम। तो चलिए, आप भी अगर इस तरह से मेरे साथ सिचुएशन में फंस जाएं तो क्या है इसका सॉल्यूशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग है, इसको हम बीट कर लेंगे। सबसे पहले एग भी मेरे पास छोटे साइज का है, तो हम सबसे पहले एग को बीट कर लेते हैं। एग को मैंने बीट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे ये थ्री इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है, हाफ टी स्पून से थोड़ी कम मैंने काली मिर्च पाउडर लिए और हाफ टी स्पून मैंने कुटी मिर्चें लिए हैं। तो इन तीनों को जो है मैं इस एग में ऐड कर देती हूँ। इसको हम एग में मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने थ्री टाइप्स की ये मैंने वेजिटेबल लिए। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग ऑनियन का ये ग्रीन पार्ट लिया है, यहाँ पर कैबेज लिए थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने कैप्सिकम लिए जिसको इस तरह से छोटे छोटे मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अब इन तीनों को भी ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास जो भी वेजिटेबल रखी हो क्या, तो आप उसमें ऐड कर दें। तो हम इसमें ये तीनों चीज़ें ऐड कर देते हैं एग में। मेरे पास स्पैगेटी रखी थी तो मैंने स्पैगेटी बॉयल कर लिए, ये तकरीबन हाफ कप है। अगर आपके पास नूडल हो तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका पैकेट आप बॉईल कर लें और उसका जो टेस्ट में करें वो भी ऐड कर दें। फिर ये जो मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, सॉल्ट, जो है ये चीज़ आप ऐड नहीं कीजिएगा। सॉल्ट को आप देख लीजिएगा, कम ज़्यादा कर लीजिएगा टेस्ट के मुताबिक, लेकिन फिर ये काली मिर्चें और कुटी मिर्चें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नूडल है, क्योंकि इसका टेस्ट मेकर ही काफ़ी रहेगा, फिर आपको दोनों चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्ट ऐड कर लें। ये भी इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से पास्ता आइटम हर कोई शौक से खा ले, मैक्रोनी की शिकल में हो या स्पैगेटी में, नूडल्स में। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर देंगे। इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैंने एक पैन लिया है, अब इसमें ये जो हमने बैटर रेडी किया है, अब इसको हम लेंगे और इस तरह से ये इसके हम पैनकेक बनाएंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे इसके पैनकेक रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये एग के पैनकेक रेडी कर लिए हैं। इसको जो हो गया इसको हम पलटते जाएंगे ताकि वो दूसरे साइड से भी अच्छी तरह सिक जाए। है ना ज़बरदस्त आइडिया। इसमें आप 3% खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट चैलेंज रेडी है, आप भी इस तरह का चैलेंज कीजिए। और अगर आपके घर में भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, आपके साथ भी, हर किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हम ब्रेकफास्ट मंगाना भूल जाते हैं या फिर लाने वाला किसी काम में बिजी होकर भूल जाता है, तो अगर आपके पास भी एक बेचारा अंडा हो तो आप उसके साथ किस तरह से आप रेडी कर सकते हैं 3% के लिए ब्रेकफास्ट। तो ये जो क्वांटिटी बनाई है 3% के लिए इनफ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये पैनकेक रेडी होते हैं। ब्रेड के साथ दे दें या पराठे में आप रोल करके दे दें, जिसको पराठा पसंद है उसको पराठे में आप रोल करके दे दें, या इस तरह से जो मैंने सैंडविच बनाया है इसके साथ, एग पैनकेक के साथ इस तरह से आप सैंडविच बना लें। देखें कितने ज़बरदस्त ये रेडी हुए हैं एग पैनकेक। आपके घर गेस्ट अचानक से आ जाएं, जो आपका खाना बना हो उसके साथ आप ये
रेडी करके क्विकली जो है आप इस पैनकेक को, एग पैनकेक को बनाकर उनके सामने सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं टेस्ट वाइज भी। अगर आपको ये मेरे ब्रेकफास्ट चैलेंज की रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पर न्यू विज़िट किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त यूनिक यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।